1945 के स्प्रिंग सीजन में एक 11 साल का जर्मन लड़का जिसका नाम हेलमुट था, वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और उसने कुछ आवाज़ें सुनी। अब समय आ गया है कि हम अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दें या फिर मैं खुद ही सुसाइड कर लूं। क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बदले से डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एलाइस वाले भी हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ किया है। मॉम डैड क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ पर आपने सुना कि हेलमुट के पिताजी कुछ बदले की बात कर रहे हैं। आखिर ये एलाइस कौन है और वे किस तरह से बदला लेना चाहते हैं? आखिर हेलमुट के पिता क्या किए हैं ज्यूस और क्रिपल्ड के साथ? चलिए देखते हैं आगे। अगले दिन वे लोग हेलमुट को लेकर वुड्स के एक गार्डन में गए, जहां पर उन लोगों ने अपना लास्ट हैप्पी टाइम बिताया, साथ में गाना गाया, ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स गाए। लेकिन इसके बाद जो खबर आई वो बहुत ही भयानक थी। चलिए देख, बाद में थोड़ी देर के बाद यह न्यूज आती है कि हेलमुट के पिताजी अपने आप को ऑफिस में शूट कर चुके हैं। हेलमुट याद करता है कि कैसे उसके पिताजी का जो यूनिफॉर्म था खून से सना हुआ, उसको फैमिली के फायर प्लेस में जलाया गया था। बेटा चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, आप जाओ। मुझे डर है कि कहीं मम्मी मुझे जहर ना दे दे। डैडी ने भी सुसाइड कर लिया। आखिर ये एलाइस कौन है, ये क्यों बदला लेना चाहते हैं, और ये कुछ नाजिस के बारे में डैडी क्या बोल रहे थे? वे लोग क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ क्या किए हैं? मुझे ये सब जानना है। हेलमुट के साथ जब ये सब चीज हुआ था, उस वक्त हेलमुट इतना छोटा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके पिताजी नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। मैंने आप में से भी बहुत सारे लोग ये हिटलर और नाजिस के बारे में जानते होंगे। कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि हिटलर पूरी दुनिया में जर्मनी को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था और उसका एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप को कंक्यूर कर उस पर राज करे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि हिटलर ज्यूज को मरवा दिया था, बट नाजिम ने ऐसे एक या दो कांड नहीं किए थे। ये एक पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा सिस्टम था, जिसने पूरे दुनिया को, वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। कैसे वहाँ पर राजनीतिक तरीके से ज्यूज को काटा जाने लगा, दूसरे के साथ हत्याएं होने लगी, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नाजिस और उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि हेलमुट के पिताजी ने आखिर क्यों सुसाइड किया था। वो किस चीज़ के से डर से डर रहे थे, क्या उनको फियर था, वो कैसे रिवेंज के बारे में सोच रहे थे। मई 1945 में जर्मनी ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबेल्स और उनके पूरे फैमिली ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि अब वार हारने के बाद क्या होगा। इससे डरकर वे लोग पूरे सब मिलकर एक साथ अप्रैल के महीने में बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिए। जब युद्ध ख़त्म हुआ तब एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में सेटअप की गई ताकि नाजिस वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। नाजिस ने जो पीस को भंग कर क्राइम किया था, क्राइम अगेंस्ट पीस किया था, वार क्राइम किया था और स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में सेटअप की गई। ये जो क्राइम हुआ था ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इससे दुनिया भर में एक क्वेश्चन उठने लगा कि भाई कुछ नैतिकता बची हुई है या नहीं, आप अपने ही देशों में मार काट कर रहे हो, नरसंहार करा रहे हो। सेकेंड वर्ल्ड वार के साय में जर्मनी ने जेनोसिडियल वार किया। जेनोसिडियल वार मतलब होता है किसी भी एक ग्रुप के, एक कम्युनिटी के लोगों का मास लेवल पर मर्डर करना। ये जब जेनोसिडियल वार हुआ, इससे ऐसा रिजल्ट आया कि यूरोप में बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। जो मरने वालों की संख्या थी वो कुछ इस प्रकार थी, लगभग 60 लाख ज्यूज मारे गए थे, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, 17,000 जर्मन्स मारे गए थे। वे वैसे जर्मन थे जिन्हें मेंटली और फिजिकली डिसेबल साबित कर दिया गया था। इन सब के अलावे कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी मारे गए थे। नाजिस ने ऐसा कांड किया था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनका जो मारने का तरीका था वो अभूतपूर्व था, यानी इससे पहले ऐसे तरीकों का कोई यूज नहीं किया करता था। वे बहुत सारे किलिंग सेंटर्स बनाए हुए थे, जैसे ऑस्टविच, जहां पर लोगों को गैस के
के द्वारा मारा जाता था। जहरीली गैसों का उसमें छोड़ दिया जाता था और उससे लोगों का दम घुटकर मर जाता था। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 11 ऐसे नाजिज्म को मौत की सज़ा सुनाई जो कि उसमें हिटलर के बाद बड़े पोस्ट पर थे, और बाकी सबको आजीवन कारावास की सज़ा देकर छोड़ दी गई। ये जो पनिशमेंट था इसलिए कम रखा गया ताकि जो एलाइस पावर थी वो जर्मनी पर और उसके हार के वजह से उस पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि जो सेकेंड वर्ल्ड हुआ इसका सीड कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार में है। इसलिए वे लोग इस पर उस पर इतना हार्श नहीं होना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ 11 लीडर्स को ही फांसी की सज़ा सुनाई गई, मौत की सज़ा दी गई, और बाकी सबको आजीवन कारावास देकर मामला शांत करने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोग मानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस तरह से एलाइज ने जर्मनी पर हार्श हुआ था उससे भी बहुत सारे लोगों को जर्मन लोगों के अंदर में क्रोध और बदले की भावना थी, जिससे नाजिज्म के उदय का सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। अब ये एक्सपीरियंसेस क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही मिस ना कर सके और आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।